कैसे है दोस्तों, हम फिर से आ गए कौन नए वीडियो के साथ। आपका हमारी चैनल ए टू जेड मार्केटिंग में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा बिकने वाले पान मसाला गुटखा का होलसेल प्राइस क्या है, मार्जिन इसमें कितना है। यदि आप एक रिटेलर है तो होलसेलर के पास से आपको क्या रेट में पान मसाला मिल जाएगा, साथ ही में एक पैकेट बेचने पे आपको कितना मार्जिन और मुनाफा मिलने वाला है, उस सभी के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। साथ ही में जो सबसे ज़्यादा चलने वाले जो पान मसाला जो हमारी तरफ जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, उसके सारे प्रकार के दोस्तों पान मसाला का होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये बारी बारी से दोस्तों हम हर प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस बताऊंगा, साथ ही में इसका रिटेल मार्जिन आपको क्या मिलने वाला है, उस सभी के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो आपको सबसे ज़्यादा बिकने वाला है इंडिया का, विमल पान मसाला। इसका होलसेल प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, उसके बारे में बात करें। यदि आप एक रिटेलर है और एक होलसेलर की सबसे एक या दो पैकेट यदि आप परचेस करते हो तो आपको 122 रुपये में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यदि आप एक रिटेलर और 5 या 10 पैकेट एक साथ में परचेस करते हो होलसेलर की शॉप से तो आपको एक पैकेट क्या रेट में गिरेगा। यदि आप 5 से 10 पैकेट एक साथ परचेस करते हो तो आपको दोस्तों 120 रुपये मिल जाएगा। यदि आप एक पैकेट लेते हो आपको 122 मिलेगा, 5 लेते हो तो आपको 120 में मिलने वाला है। दोस्तों इसके मार्जिन के बारे में बात करें, यदि आप एक रिटेलर हो और 122 रुपये का एक पैकेट यदि होलसेलर की शॉप से लाते हो तो आप फुटकर में यदि 5-5 रुपये के हिसाब से सेल करते हो तो आपको एक पैकेट में आपको 30 यूनिट की पैकेजिंग मिलने वाली, तो आपको एक पैकेट बेचने में दोस्तों 28 रुपये का मार्जिन मिलने वाला है। और दोस्तों यह पान मसाला एक रिटेलर को दोस्तों दिन के 5 से 10 पैकेट आराम से, कहीं कहीं पे दोस्तों ज़्यादा भी पैकेट बिकते हैं, पर दोस्तों 5 से 10 पैकेट आराम से एक रिटेलर को बिक जाते हैं, इसलिए इसमें बहुत अच्छा खासा मार्जिन मिलने वाला है। अब दोस्तों दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो है विमल पान मसाला का 2 रुपीज़ सेल वाला, 2 रुपीज़ MRP जो विमल पान मसाला आता है उसका इस तरह का एक बॉक्स आता है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब बॉक्स के अंदर के पैकेजिंग के बारे में बात करें तो एक ऐसे पैकेट में आपको 60 पीस की पैकेजिंग मिलने वाली, प्लस आपको 15 यूनिट फ्री मिलने वाले। इस तरह पूरे जो ऐसा बॉक्स आता है जो विमल 2 रुपीज़ का MRP का, जो इसमें पूरे दोस्तों आपको 75 यूनिट यानी कि 75 पीस की पैकेजिंग मिलने वाली। दोस्तों इसके होलसेल प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप एक रिटेलर हो और होलसेलर के पास से यदि आप एक या दो पैकेट परचेस करते हो तो आपको 110 रुपये में एक होलसेलर के पास से एक पैकेट मिल जाएगा, जिसे आप फुटकर में यदि सेल करते हो तो आपको 110 के 150 रुपये बनने वाले हैं। यह पान मसाला में आपको 40 रुपये का प्रॉफिट मिलने वाला है। और दोस्तों बात करते हैं यदि आप थोड़ा बल्क में लेते हो तो आपको 105 तक एक पैकेट मिल जाएगा। यदि आप 5 से 10 पैकेट एक साथ लेते हो तो आपको 105 रुपये तक मिल जाएगा। दोस्तों एक और नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो है आपको जाफरी पान मसाला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी अभी दिवाली की दोस्तों नई पैकेजिंग आई है। अब दोस्तों इसके एक पैकेट के बारे में बात कर ले, एक पैकेट में आपको कितने पीस की पैकेजिंग मिलने वाली। दोस्तों इसके एक पैकेट के बारे में बात करें तो इसके एक पैकेट में आपको 32 यूनिट यानी कि 32 पीस की पैकेजिंग मिलने वाली। ये दोस्तों आपको 5 रुपये बिक्री वाला पान मसाला रहता है और एक पैकेट में आपको 32 यूनिट रहते हैं। अब दोस्तों इसके यदि आप एक रिटेलर है और होलसेलर के पास से एक या दो पैकेट यदि परचेस करते हो, होलसेलर की शॉप से आपको 132 रुपये में एक पैकेट मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं यदि आप इसे फुटकर में सेल करते हैं तो आपको एक पैकेट बेचने पे 28 रुपये का मार्जिन मिलने वाला है। दोस्तों यदि आप इसे बल्क में दोस्तों थोड़ा बल्क में सामान लेते हो तो आपको 130 रुपये तक एक पैकेट मिल जाएगा। 5 से 10 पैकेट यदि एक साथ होलसेलर की शॉप से खरीदते हो तो आपको दोस्तों 130 रुपये तक मिल जाएगा और 130 के आपको 160 रुपये बनने वाले। दोस्तों एक और नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो है आपको मॉक सिल्वर पान मसाला। इसके दोस्तों एक पैकेट के बारे में बात करें तो एक पैकेट में आपको 30 यूनिट यानी कि 30 पीस की पैकेजिंग मिलने वाली है। दोस्तों इसके होल यदि आप एक रिटेलर है और होलसेलर के पास से एक या दो यदि पैकेट परचेस करते हो तो आपको दोस्तों एक पैकेट खरीदने पर 120 रुपये का एक पैकेट मिल जाएगा, जिसे दोस्तों आपको 5 रुपीज़ हिसाब से फुटकर में यदि सेल करते हो एक एक जो 30 यूनिट तो आपको 120 रुपये के 150 रुपये बनने वाले और एक पैकेट पे आपको 30 रुपये का मार्जिन मिलने वाला है। और दोस्तों अभी कंपनी की तरफ से यह प्रोडक्ट पे क्या स्कीम मिल रही है, 10 पैकेट यदि खरीदते हो तो आपको क्या क्या स्कीम मिलने वाली, उसका दोस्तों हमने पूरा वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, इसलिए दोस्तों हम नहीं अभी बता रहे हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, उस लिंक पर आप क्लिक करके यह पूरा वीडियो देख पाओगे। अब दोस्तों एक और नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो है आपको दोस्तों रजनीगंधा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रजनीगंधा फ्लेवर्ड पान मसाला जो आपको 5 रुपीज़ बिक्री का आता है। उसके एक बॉक्स कुछ इस प्रकार का रहता है और एक बॉक्स में आपको 56 यूनिट, जैसे कि आप देख पा रहे हो 56 यूनिट यानी कि 56 पीस की पैकेजिंग मिलने वाली।
अब दोस्तों इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो ये दोस्तों आपको 5 रुपीस बिक्री का पान मसाला रहता है, और इसकी पूरे बॉक्स के जो एमआरपी आपको जैसे कि आप देख पा रहे हो 280 रुपये पूरी बॉक्स की आपको एमआरपी रहती है। अब दोस्तों इसके होलसेल प्राइस के बारे में बात किया, यदि आप एक रिटेलर है और एक होलसेलर के पास से एक या दो पैकेट यदि परचेस करते हो तो आपको 235 रुपये में मिल जाएंगे, और यदि आप थोड़ा बल्क में सामान परचेस करते हो 5 से 10 पैकेट परचेस करते हो तो आपको दोस्तों 230 रुपये में होलसेलर की शॉप से मिल जाएंगे, जिसके आपको दोस्तों 280 रुपये बनने वाले। और एक पैकेट यदि आप सेल करते हो तो आपको एक पैकेट बेचने पर दोस्तों 45 रुपये का मार्जिन मिलने वाला है। दोस्तों एक और नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो है आपको दोस्तों तानसेन पान मसाला, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ जिस तरीके का इसका पैकेजिंग रहता है, और एक पैकेट के बारे में बात करें तो एक पैकेट में आपको 50 यूनिट यानी कि 50 पीस की पैकेजिंग मिलने वाली। अब दोस्तों इसके होलसेल प्राइस के बारे में बात करें, यदि आप एक होलसेलर की शॉप से एक पैकेट यदि परचेस करते हो और एक आप रिटेलर हो होलसेलर की शॉप से एक पैकेट परचेस करते हो तो आपको दोस्तों 220 रुपये में एक पैकेट मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं यदि आप थोड़े बल्क में सामान परचेस करते हो 5 से 10 पैकेट यदि परचेस करते हो तो आपको 215 तक यह कंपनी का जो पान मसाला है आपको 215 रुपये तक मिल जाएगा, जिसे आप यदि फुटकर में सेल करते हो तो आपको 220 में यदि आप एक पैकेट परचेस कर लेते हो और फुटकर में सेल करते हो तो आपको 220 के 250 रुपये बनने वाले, और एक पैकेट में आपको 30 रुपये का मार्जिन मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों कंपनी का पान मसाला होने के कारण से थोड़ा मार्जिन इसमें कम ही रहता है, एक होलसेलर को और एक रिटेलर को दोनों को। दोस्तों और भी बहुत से प्रकार के हम पान मसाला अपनी शॉप पे बेचते हैं, और बारी बारी से दोस्तों सभी का होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस पे हम डिटेल से आपको वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों विमल की बोरी, सिल्वर की बोरी और तानसेन की बोरी में आपको क्या क्या स्कीम मिलने वाली उसका भी वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिया है। दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएगा, और दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो हमें वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों हम अपने चैनल पर कन्फेक्शनरी, बिस्किट, पान मसाला, गुटखा और साथ ही में दोस्तों किराना, जनरल स्टोर में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली सारी चीज़ों की होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस पे वीडियो बनाते रहते और अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, और डेली वीडियो दोस्तों हम अपलोड करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।